ये है एसर का नया आई सीरीज़ का स्मार्ट टीवी जो कि उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 32 इंचेस, 43 इंचेस, 50 इंचेस और 55 इंचेस साइजेस में अवेलेबल है। जो 32 इंच साइज़ वाला टीवी है वो HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। बाकी के जितने भी साइजेस हैं इंक्लूडिंग ये 43 इंच, ये 4K रेजोल्यूशन के साथ में आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एसर का ये 43 इंचेस का जो आई सीरीज़ का टीवी है उसके बारे में बताने वाला हूँ, देखते रहिए। तो ये है 43 इंचेस का बॉक्स पैक। की फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डुअल बैंड वाईफाई के साथ में आता है, 30 वॉट का हाई फिडेलिटी स्पीकर दिया हुआ है और ये फ्रेमलेस डिज़ाइन के साथ में आता है। एंड्रॉयड टीवी है। चलिए मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। तो बॉक्स में 43 इंचेस का टीवी है, ये वॉल माउंट किट दिया हुआ है। ज़्यादा करके टीवीज़ के साथ में आपको वॉल माउंट किट नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। ये है प्लास्टिक स्टैंड, अगर आप चाहें तो इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। कुछ स्क्रूज स्टैंड को लगाने के लिए, पावर कॉर्ड, AV केबल, यूजर मैनुअल, वारंटी बुकलेट, ये रिमोट जिसका शेप काफ़ी अलग है। इस रिमोट में आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए डेडिकेटेड बटन्स दिया हुआ है। गूगल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। तो ये स्मार्ट रिमोट है और ये है बैटरीज रिमोट के लिए। राइट हैंड साइड पर ये सारे पोर्ट्स दिया हुआ है। ये है USB 2.0, USB 3.0, RJ45, LAN पोर्ट, वायर्ड इंटरनेट के लिए, एंटीना केबल यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑप्टिकल पोर्ट और यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट्स दिया हुआ है, प्लस ऑडियो जैक है और मिनी AV के लिए यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है। तो टीवी का सेटअप मैंने कर दिया है और इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा इस प्रकार का इंटरफेस एंड्रॉयड 11 टीवी पर। ये 2GB रैम के साथ में आता है और इसमें 16GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। 43 इंचेस का स्मार्ट टीवी है और ये 4K रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ये टीवी फ्रेमलेस डिज़ाइन के साथ में आता है और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि जो स्क्रीन है इसने ज़्यादा एरिया ले लिया है। परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी आपको मिलने वाली है हर एक एंगल पर। ये मोशन एनहेंसमेंट्स के साथ में आता है, एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करता है ताकि आपको स्मूथ फुटेज और एक्सपीरियंस मिले। विजुअल क्वालिटी भी एकदम अमेजिंग लेवल की है। ब्लैक लेवल ऑगमेंटेशन टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया गया है, मतलब कि जो ब्लैक है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको दिखने वाला है। डीपर ब्लैक्स और विविड कॉन्ट्रास्ट। ये HDR 10 प्लस और HLG कैलिब्रेशन के साथ में आता है, तो ये जो कंटेंट है आप इस पर इंजॉय कर पाएंगे। इमर्सिव डॉल्बी ऑडियो एक्सपीरियंस भी देता है और इसमें जो स्पीकर्स है ये 30 वॉट के हैं। वैसे ज़्यादा करके टीवीज़ में आपको 20 या फिर 24 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर भी बढ़िया स्पीकर्स इसमें दिया हुआ है। ऑडियो और विजुअल क्वालिटी दोनों ही इम्प्रेसिव लेवल की है। आजकल टीवीज़ जो मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं ये गूगल टीवी के साथ में आते हैं लेकिन यहाँ पर एंड्रॉयड टीवी 11 रन कर रहा है। इनकेस अगर आपको अपग्रेड करना है तो एनी टाइम आप जो क्रोमकास्ट फॉर गूगल टीवी का डोंगल है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI पोर्ट दिया हुआ है इस टीवी में और गूगल टीवी आप उसके ज़रिए इस पर एक्सेस कर पाएंगे। इसमें क्रोमकास्ट बिल्ट इन है और गूगल असिस्टेंट भी सपोर्ट करता है, आप वॉइस इनपुट दे सकते हैं। वीडियो कॉल्स भी आप इस पर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक कैमरा कनेक्ट करना है और ये गूगल डियो के ज़रिए आप कर पाएंगे। आजकल लोग ज़्यादा कंटेंट वॉच कर रहे हैं और ये जो टीवी है आपकी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये ब्लू लाइट रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, बिल्ट इन है। बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिया हुआ है, डुअल बैंड वाईफाई है, 2-way ब्लूटूथ 5.0 है, ये क्वाड कोर पावर्ड है और 4K अपस्केलिंग भी सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर आप कोई कंटेंट वॉच कर रहे हैं जो कि 4K में नहीं है तो ये जो टीवी है उसे अपस्केल करने वाला है 4K में और आप ऑलमोस्ट वैसा ही 4K एक्सपीरियंस इस पर कर पाएंगे। तो जो होम पेज है वो इस प्रकार का है और यहाँ पर जैसे जैसे आप कंटेंट वॉच करना शुरू करेंगे, जिस टाइप के कंटेंट आप देखेंगे उस प्रकार का रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेटफ्लिक्स का कोई कंटेंट प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को काफ़ी लो रखा हुआ है, ये देखिए अब मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ करके 22 पे लेके आया हूँ। साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो कंटेंट है 4K HDR का है। ये कंटेंट आप इस टीवी पर देख पाएंगे इसलिए क्योंकि ये 4K सपोर्ट करता है एज़ वेल एज़ HDR भी सपोर्ट करता है। तो साउंड क्वालिटी इम्प्रेसिव लेवल की है। व्यूइंग एंगल्स बहुत ही बढ़िया है, शार्पनेस भी काफ़ी अमेजिंग है इस टीवी का।
तो ये बहुत ही बढ़िया 43 इंचेस का स्मार्ट टीवी है और इसका प्राइसिंग है 34,990 रुपीज़। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।